जिसे हम एक शब्द कह सकते, जैसे आपका नाम है ना बिंदास भोजपुरिया, बिंदास शब्द आकांक्षा के लिए बेस्ट था। किसी का भय नहीं, जो गलत लगा है उसे रिएक्ट कर रहा है, मन में नहीं रख रहा है, सामने बोल के जा रहा है। उस तरीके की लड़की थी जो सब जानते हैं नुकसान तो दोनों तरफ से, आकांक्षा का जाना भी और सबक का भी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो गया अचानक इसे नज़र से लग गई पूरी यूनिवर्सिटी। सैक को भी बहुत अच्छे से मीडिया की बातों का जवाब दिया, कहीं एक तिनका भी ये नहीं लग रहा था कि बैक ऑफ माइंड कुछ इस लड़की के चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप बिंदास भोजपुरिया पर मुझे देख रहे हैं। मित्रों, आकांक्षा दुबे के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक भी नहीं मिल पाए हैं। मेरे साथ इस वक्त संजय पांडे साहब हैं। संजय पांडे, ये उसी फिल्म के सेट पर थे जहां आकांक्षा दुबे ने आखिरी सांस ली। सबसे पहला सवाल सर यही है कि आकांक्षा दुबे का इस तरह से जाना सिनेमा के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नुकसान है? दोनों इंडस्ट्री के लिए नुकसान है, एल्बम इंडस्ट्री के लिए भी और सिनेमा इंडस्ट्री के लिए भी। दोनों इंडस्ट्री को पैरेलली बैलेंस करती थी वो एक्ट्रेस। एल्बम इंडस्ट्री में बहुत नाम था, बहुत फॉलोअर थे उसके, पर्सनली लोग बहुत पसंद करते थे, लाइक करते थे, फ्रेंड्स बहुत थे, इंडस्ट्री के लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सबसे बहुत अच्छे से मिलते थे। नुकसान तो बहुत बड़ा है जी। संजय सर, आपने हालांकि मीडिया इंटरव्यूज में बताया कि भाई कैसे ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घटा, लेकिन एक बार फिर से अगर हमारे दर्शकों के लिए आप ये बता सकें कि उस आखिरी रात क्या हुआ था आकांक्षा दुबे के साथ? सर, क्या हुआ था ये मैं नहीं बता सकता। सीसीटीवी क्या बता रहा है वो बता सकता हूँ। एक्चुअली उस दिन हम लोग 23 को पहुँचे, 23 को फिल्म का मुहूर्त था, उसमें थी और उसके बाद 24 को शूटिंग नहीं थी, गैप था। 25 को मेरा शूट था, उनका शूट नहीं था। 26 को उनका कॉल टाइम था, मुझे कॉल टाइम आया था 8:30 का, उनका कॉल टाइम 10 बजे का। हम लोग सुबह 7:30 पहुँचे, मेरा सीन चल रहा था, डायरेक्टर ने कहा कि सुहानी को बुलाओ, सुहानी उनके करेक्टर का नाम था। तो मैंने इतना सुना सीन करते वक्त कि सुहानी को बुलाओ, तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन वाले ने कहा सर गाड़ी भेज दे। वही डायरेक्टर 10 मिनट बाद मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर वो ऐसा सा हो गया। समझ में नहीं आया ये क्या। पूरी यूनिट सदन में तुरंत बैकअप किया गया, हम लोग होटल पहुँचे, वहाँ पुलिस आ चुकी थी। घटना हुई फर्स्ट फ्लोर पे, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था मकान। फर्स्ट फ्लोर पे जो लोग थे उससे पूछताछ चल रही थी जी, और पुलिस हमने इंक्वायरी कर रही थी। सीसीटीवी से पता चला कि वो रात को 8 बजे निकली है, ये फिल्म के राइटर ने ही बताया, उनसे आखिरी मुलाकात की थी मनोज पांडे जी से जी, और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने पूछा भी था कि सर सॉरी मैं नहीं मिलने आ पाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं सुना? तो बोले नहीं अभी ठीक है मुझे, बोले मैं पार्टी में जा रहा हूँ सर। वो चली गई, रात को 2 बजे आई, सुनते हैं लाइव भी आई, ये सब घटित हो। संजय जी, जब आकांक्षा दुबे के साथ आपकी जो आखिरी मुलाकात थी, जब आप आखिरी बार उनसे रूबरू थे, हालांकि आपको या किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये आपकी उनसे आखिरी मुलाकात होगी, उस दौरान क्या कुछ हुआ था ये जरा रिकॉल करके एक बात बताएं। रिकॉल नहीं करना, मुझे बहुत अच्छे से याद है जी। हम लोग मुहूर्त में पहुंचे, जिस होटल में रुके थे, मुहूर्त उस होटल में नहीं था, दूसरे होटल में था। वहाँ प्रेस था, मीडिया इकट्ठा था, फिल्म की कास्ट थी, हीरो एक्टर, तो वो लेट निकले होते। मैंने कहा इंतजार करवा रही हो, तो लेट कर रही हो? तो बोली सर हीरोइन हो ना, सजने संवरने में टाइम लगता है, आप लोग का क्या है, आप लोग तो शर्ट पैंट डाले चल रही है। बिल्कुल, हमारे हंसते हुए बोली थी लाइन। फिर सेट को भी बहुत अच्छे से मीडिया की बातों का जवाब दिया, कहीं एक तिनका भी ये नहीं लग रहा था कि बैक ऑफ माइंड कुछ इस लड़की के चल रहा है। बिल्कुल, ये कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा कि आकांक्षा दुबे के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी कल्पना सिनेमा से जुड़े हुए किसी भी कलाकार ने कभी नहीं की थी। सर, आकांक्षा दुबे अमूमन किस तरह से पेश आती थी लोगों के साथ? जैसे आपके बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं सर, आपने लगातार फिल्में की हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं आपने, आकांक्षा दुबे के बारे में क्या बताते हैं आप, वो जनरली लोगों से कैसे मिलती थी? कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कई तरह की बातें उनके लिए आ रही हैं, लेकिन आप याद करके मुझे ज़रा बताइए कि वो कैसे पेश आते थे लोगों के साथ। मेरी लास्ट मुलाकात उनसे हुई थी फिल्म साजन के सेट में, जिसमें वो एक सेकंड लीड में थी और मैं उसमें अनुराधा जी का फादर बना था।
वहाँ मुलाकात हुई थी और बहुत लाइव मिलती थी, मतलब कोई गुरूर नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई वो नहीं, मतलब बातचीत होती थी और बहुत खुल के, जिससे हम एक शब्द उनके जैसे आपका नाम है ना बिंदास भोजपुरिया, बिंदास शब्द आकांक्षा के लिए बेस्ट था। किसी का भय नहीं, जो गलत लगा है उसे रिएक्ट कर रहा है, मन में नहीं रखना है, सामने बोल के जा रहा है। उस तरीके की लड़की थी जो सब जानते हैं, इसीलिए पूरी इंडस्ट्री शॉक जाने कि ऐसी लड़की कैसे सुसाइड कर सकती है जी। जो इतनी बिंदास थी, जो कभी कोई बात मन में रखती नहीं थी और मतलब जो कह रहा है सामने कह रहा है, पेट में रखना नहीं है कोई चीज, बिंदास थी, अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। वैसे संजय जी आपकी अगर मैं बात करूं तो आपको इज्जत सब देते हैं और बेसिकली देते नहीं हैं, देनी पड़ती है, आपने इतने सालों में वो कमाई है सर, वो इतने सालों में आपने कमाई है। आकांक्षा दुबे अगर संजय पांडे को इज्जत देती थी, इनसे तमीज से पेश आती थी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे कलाकार थे, जो छोटे कलाकार थे, जो टेक्नीशियंस थे, उनसे वो किस तरह से पेश आती थी, ये भी आपने सेट पर देखा होगा, क्या उनसे उनका रवैया जो था वो बढ़िया था? किसी के प्रति खराब नहीं था, क्योंकि वो खुद बहुत नीचे से उभर कर आई थी, वो टेक्नीशियंस की, नए एक्टरों की रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि उसने वो दौर देखा है, वो संघर्ष करके आई थी, वो चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुई थी, उसने बहुत संघर्ष किया है छोटे छोटे गानों से, छोटे छोटे रोल्स से, तो इसलिए वो सबकी इज्जत करती थी। मैंने कभी नहीं देखा सेट पे किसी के साथ बदतमीजी, बशर्ते कि कोई उसके साथ बस। जी सर, अब एक तरफ जहां पर आकांक्षा दुबे अब इस बीच हमारे साथ नहीं है, बड़ा हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है, दूसरी तरफ उनके इस मामले में दोषी ठहराया जा रहा है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है समर सिंह को, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपने लगातार काम किया हुआ है, आपने क्या देखा कि भाई समर सिंह जैसा कलाकार आपको लगता है कि कभी कुछ ऐसा भी करेगा या कर सकता है, क्योंकि आप लगातार काम कर ही रहे हैं, तो इतना आपको जरूर अंदाजा होगा समर सिंह के बारे में, अगर आकांक्षा के बारे में है तो समर सिंह के बारे में अभी आपका कोई तो अंदाजा होगा सर। देखिए समर के साथ मैंने चार फिल्में की, चार या पाँच से ज़्यादा फिल्में नहीं की, बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसके उस शेड को, जिस शेड की बात उनकी माँ कर रही है, आकांक्षा के थ्रू लोग बता चलाते जो है, वो शेड मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन माँ, माँ के दिल की बात भी झूठी नहीं हो सकती, माँ जो अगर कुछ कह रही है तो उनसे शायद शेयर किया होगा आकांक्षा जी ने, तभी माँ कह पा रही है, क्योंकि बहन माँ का है, क्योंकि माँ बेटा बेटी के सबसे करीब होती है, तो अगर माँ कह रही है तो इसमें सत्यता होगी, इसमें झूठ नहीं बोला गया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं समर के उस चेहरे को नहीं जानता था, उनके पर्सनल रिलेशन किससे थे इस बारे में मुझे कभी खबर नहीं थी। समर और आकांक्षा दोनों मेरे जूनियर थे, वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि समर कभी मेरे सामने मजाक भी नहीं कर। अच्छा, जब आपसे समर सिंह मिलते थे, संजय पांडे जी बताइए जरा हमें, जब आपसे समर सिंह मिलते थे तो कैसे पेश आते थे? वो आपसे हाथ मिलाते थे, आपके गले मिलते थे, या जैसे ज़्यादातर लोग आपके पैर छूते हैं बड़े बड़े स्टार्स, क्या उस तरह से पेश आते थे समर सिंह? पैर छूते, वो सीधे पैर छूते, कैसे लोग बस, कभी उसने उस शख्स ने हाथ नहीं मिलाया, हमेशा पैर ही छूते। क्या कभी ऐसा हुआ कि संजय पांडे जी सेट पर आए, समर सिंह वहां पहले से बैठे हैं और समर सिंह ने कुर्सी नहीं छोड़ी हो, या खड़े होकर आपको नमस्ते ना किया हो, पैर ना छुए हो, ग्रीट ना किया हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा वो अगर नहीं खड़े हुए, उनके स्टाफ के लोग एक अलग से चेयर ला के दे देते भैया बैठिए। बिल्कुल। वैसे सर संजय जी, क्या ये ऐसा नहीं है कि भाई एक तरफ आकांक्षा दुबे बड़ा नुकसान है सिनेमा के लिए, दूसरी तरफ समर सिंह भी नुकसान ही है, क्योंकि एक बड़ा उभरता सितारा था, उसका करियर जब इस तरह से हैम्पर हुआ है, इस तरह से उनके करियर को नुकसान पहुंचा है, वो खुद सलाखों के पीछे हैं, मुझे लग रहा है सिनेमा के लिए सर दोहरा नुकसान है। नुकसान तो दोनों तरफ से, आकांक्षा का जाना भी और समर का भी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो गया अचानक इसे नजर से लग गए। सर अब हालांकि ये मामला अब कानून के पास है और मुझे पूरा भरोसा है कानून व्यवस्था पर कि जो भी इसके लिए दोषी है भी या नहीं, उसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं कानून की प्रक्रिया में पूरा विश्वास रखता हूं कि भैया जो भी इसके पीछे है वो उसको उसको उसकी भरपाई करनी ही होगी। ऑब्वियसली अब चूंकि मामला कानून के हाथ में है, तो अब हमारे अंदाजा लगाने, हमारे तीर फेंकने, हमारे उससे कुछ नहीं होने वाला। पुलिस ने अपना काम किया, बहुत बेहतर तरीके से किया, और अब कानून अपना काम करेगा,
और हमें हमारे देश के कानून पर भरोसा है, जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए और जिसने अन्याय किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल यही एकदम सही बात है। और कई लोग अंदाज़ा अपने हिसाब से लगा रहे हैं, जैसा संजय पांडे जी भी कह रहे हैं कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, ये दोषी हैं, इन्होंने किया, आप कटघरे में खड़े होने करने वाले किसी को होते कौन हैं, ये एक सीधा सा सवाल है। अगर दोषी जो भी होगा तो उसकी सज़ा उसे कानून देगी। लेकिन इस बीच सर वो माँ जो कि लगातार रो रही है, जो आज अपना सब कुछ खो चुकी है, जो पुलिस कमिश्नर के सामने जाती है रोते रोते बेहोश हो जाती है, उसके लिए भी तो बहुत सारी सिंपैथी होंगे पास, कम से कम हमारे मन में उसके लिए सिंपैथी तो होनी चाहिए। पहली बार जब वो पुलिस स्टेशन आई थी तब मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने बेहोश हुई, मेरी उनसे पहली मुलाकात थी और वो शायद मुझे पहचानती भी नहीं होंगी, तो उस वक्त नहीं ध्यान था कि कौन हूँ मैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा मैं संजय पांडे रेस्टोरेंट में था, तो उनके मुझसे एक ही शब्द निकला, आपको लगता है मेरी बच्ची सुसाइड करेगी। मैं निशब्द सा उनको देख रहा था, पुलिस भी थी चारों तरफ से, समझ नहीं पा रहा था, और फिर बात करते करते वो बेहोश हो गए। तो मैं उस वक्त का साक्षी हूँ जब मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी, और बहुत बुरा लगा था। बेटी जो घर की अर्निंग मेंबर थी, बिल्कुल जिसके पैसे काम करने से घर चलता था, दो छोटे भाई हैं, माता पिता है, ये बहुत बड़ा नुकसान, सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान उस माँ का है। बिल्कुल सर, वो रीढ़ की हड्डी की तरह थी उस परिवार के लिए, वो उस परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थी, जिस पर पूरा परिवार रूपी शरीर टिका हुआ था। अब सोचिए अगर रीढ़ की हड्डी ही नहीं है तो शरीर के बाकी अंगों का क्या हाल होगा। हालांकि संजय पांडे जी, एक अच्छी चीज़ है कि सिनेमा के लोग, जो भी कदावर लोग हैं या जो थोड़े सेटल लोग हैं, वो आ रहे हैं, आगे मदद कर रहे हैं हर तरह की, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर मोरल सपोर्ट की, वो लोग आगे आ रहे हैं आकांक्षा के परिवार को सपोर्ट दे रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है सिनेमा की। देखिए बीच में यूट्यूब पे लोग या मीडिया पे लोग हल्ला करने लगे, तो कहाँ है भोजपुरी वाले, भोजपुरी में एकता नहीं, भोजपुरी बोली मारे, तब भी एक इंटरव्यू में कहा था कि तसल्ली रखिए, चूंकि ये सहज मृत्यु नहीं है, ये एक घटना घट गई जिसकी उम्मीद हम सब ने नहीं की थी, तो आते लोग तो शॉक्ड हैं, उनको संभलने तो दीजिए, वो आएंगे, इतने निर्दयी और इतने निर्मम लोग नहीं है हमारी इंडस्ट्री के, हम इमोशन का ही कारोबार करते हैं, तो हमारे अंदर इमोशन नहीं होगा, बहुत इमोशन है, लोग जा रहे हैं, लोग फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, अब वो शो नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम फेसबुक पे डाल दें, तो कर रहे हैं और इंडस्ट्री करेगी और इंडस्ट्री ने पहले भी किया है। बिल्कुल सर, ये बात सही है कि इंडस्ट्री खड़ी होगी, सिनेमा जो है वो अपने लोगों के लिए खड़ा होता रहा है और खड़ा होगा भी, ये उसका इतिहास रहा है। लेकिन संजय जी, क्या आपकी मनस्थिति होगी, आपने खुद को कैसे संभाला होगा जब अचानक शूट करते हुए आपको ये पता चला होगा कि आपकी ही फिल्म की एक्ट्रेस अब हमारे बीच नहीं है और उसने इस तरह से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दी, आपने खुद को कैसे संभाला सर? समझ में ही नहीं आ रहा था, न दुख प्रकट करने का मौका मिला, न शोक प्रकट करने का, न कुछ रिएक्ट करने का। हम पहुँचे होटल में तो पुलिस ने पूरा सील किया हुआ था कमरा, और सामने से डेड बॉडी लेकर गए, मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा होकर चुपचाप देख रहा हूँ कि अभी तो 25-24 दो दिन पहले ये लड़की बढ़िया सास संवार के यहाँ से जिंदा निकली थी, और अब उसकी डेड बॉडी निकल रही है, वो नहीं समझ में आ रहा था आनंद बाबू कि क्या रिएक्ट करें, लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये सच है क्या। मैंने कहा मीडिया में झूठ क्यों जाएगा, जब मीडिया बोल रहा है कि ये सच है तो नहीं, आप वहाँ हैं आप बताइए, कोई मजाक कर रहा है क्या। मेरे को सबसे ज़्यादा जो लगा कि उस लड़की को लोग कितना बेहतर जानते थे, कितना उससे उसके प्रति रिस्पेक्ट और प्यार था कि लोग विश्वास मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास कम से कम बहुत से हीरो हीरोइंस कैरेक्टर आर्टिस्ट सबके फ़ोन आए, लोग फ़ोन पे रो रहे थे, आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जैसी ख़राब चीज़ अपने फ़ोन में रखता नहीं, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं है, तो मैं आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि लोग फपक रहे थे, और मैं कह रहा था अरे रुको भाई, रो मत, अभी सामने आप सब कुछ हो रहा है, पुलिस खड़ी है, बातचीत कर रहे हैं, हम लोग बयान दे रहे हैं, तब तुरा ऐसे ही हुआ, तब हाँ वो गुजर गई, सच में अरे हाँ यार मजाक थोड़ी करेगा भैया, रुको फोन, ऐसे ऐसे फोन रखते हैं जिनके फोन सालों से नहीं आए उनके फोन, क्योंकि ये खबर मीडिया में आ जाती है कि संजय पांडे वहाँ है,
एक चेहरा ऐसा था जिसको सब जानते, बाकी यूनिट नहीं थी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो सब लोग नए थे। और लेकिन मैं कहा मुझे सब फोन कर रहे, ऐसी हालत थी। मेरे को खुद को भी याद है जब मुझे पता चला कि भाई आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा कुछ हुआ तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ और मैंने भी संजय जी को ही टेक्स्ट डाला। अच्छा हाँ सर, हाँ आपने भी किया था, हाँ हाँ आपने भी किया था, बोला भी याद आया मुझे। मैंने भी बोला कि संजय जी आप हैं वहाँ पे, आप जरा बताइए कि सही में ऐसा कुछ हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है आनंद, बट ये सही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या करूँ, ये सही है, सही में ऐसा हुआ है। सर पुलिस ने कई सारे सवाल रूटीन किए होंगे आपसे, कुछ पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया, आपसे पुलिस ने आकांक्षा दुबे के मामले में क्या पूछा था? वही पूछा जो घटा, जो मैंने भी बताया, मैंने लगभग इंटरव्यू में वही बात है क्योंकि वही हुआ था, जो मेरे साथ गुजरा था, जो बातचीत हुई थी वो सच मैंने बताया। उनका कहना था कि कुछ व्यक्तिगत बातें जानते हैं कि आप, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता, जिस लड़की से मैं मिला ये 2 साल बाद उसके बारे में व्यक्तिगत कैसे बता दूँ। समर सिंह से मेरी फॉर्मल मुलाकात होती थी, बड़े भाई की तरफ आता था, पैर छूता था, मैं चला जाता था, कभी बैठ के मस्ती मजाक नहीं, कोई पर्सनल बातें शेयर ही नहीं। और आकांक्षा से और शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई थी ना, वो बस्ती में थी, मंजू ठाकुर की फिल्म कर रही थी, वहाँ से वो 22 की रात आई हैं, 23 की शाम को 12 बजे की फ्लाइट थी मुंबई से, मैं पहुंचा हूँ, पहुँचते ही हम मुहूर्त पे गए। उसके बाद अगले दिन मैं गांव चला गया, गांव से रात को आया, 25 को शूट किया, 25 को सेट पे नहीं दी क्योंकि उनका कॉल टाइम नहीं था, 26 को कट गया। तो मैंने पुलिस से यही कहा कि सर जब एक मिलना जुलना ही नहीं हो पाया था तो मैं क्या बताऊँ, तो मैं कैसे बता दूँ कि क्या उसके अंदर चल रहा था। बिल्कुल संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते मैं करना चाहता हूँ कि सिनेमा एकजुट जरूर है, लोग आकांक्षा दुबे के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या वो नुकसान जो इंडस्ट्री को इससे हुआ है क्या वो कभी भर पाएगा? क्योंकि एक उम्दा कलाकार तो थी ही, इंसान के तौर पर भी बहुत ज़्यादा जिंदा दिल थी आकांक्षा दुबे। सच है कि किसी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, हर इंसान अपने आप में एक अदद इकलौता है अपनी खूबियों और अपनी खामियों के साथ। तो आकांक्षा भी अपने तरीके की एक बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस, डांसर, एज अ ह्यूमन बीइंग थी, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आकांक्षा दुबे के जाने के बाद कई सारे लोगों के लिए ये एक महोत्सव सा हो गया है सर, खासतौर पर वो लोग जो ये माइक लेकर सवाल पूछते हैं। आकांक्षा दुबे के चरित्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आकांक्षा दुबे को कोई नशेड़ी बता रहा था, कोई उनका किसी तरह का वीडियो बताने का बता रहा था, ये दावा कर रहा था कि उसके पास कोई वीडियो है, कोई कुछ और कह रहा था। सर ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि भाई किसी की मौत का इससे ज़्यादा बड़ा मजाक कोई उड़ा ही नहीं सकता? सर सीता पे रोटी सेकने वाली बात है, आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की धज्जी उड़ाई। इस दौरान मैंने भी देखा ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं यूट्यूब पे कि मैं शॉक हो जा रहा हूँ, ये कब हो गया? मतलब पुलिस को नहीं पता, उनको पता चल गया, इनके सोर्सेज पुलिस और सीबीआई से ज़्यादा मजबूत हैं, इनके सोर्सेज पुलिस और सीबीआई से ज़्यादा मजबूत है, कुछ भी लिख रहे हैं, थंबनेल कुछ भी डाल रहे हैं। मेरे 2 इंटरव्यू दिए, उसमें आ गया संजय पांडे ने किया बड़ा खुलासा, उन्हें पकड़ा अगले दिन, मैंने कहा भाई कौन सा खुलासा कर दिया, संजय पांडे ने किया आकांक्षा दुबे कांड में पर्दाफाश, और मैंने कहा कौन सा पर्दाफाश भाई, और मैं कौन सा इंक्वायरी ऑफिसर हूँ जो मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है? सॉरी सर, मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, छीछा लेकर मत करो, सच्चाई दिखाओ, ऐसा थंबनेल मत डालो जिसको कि लोग देखने के लिए वो खोले, लोग सच जानना चाहते हैं। वो लड़की तकलीफों से गुजर के चली गई, उसकी आत्मा को तकलीफ। बिल्कुल सही बात है सर, और अगर ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब संजय पांडे जैसे कलाकार ये कहेंगे कि भैया माफ करो, साथ बैठो चाय पियो, लेकिन इंटरव्यू नहीं दूंगा। वो दिन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हाँ वो होगा, अगर ये तरीका, ये बिहेवियर, ये रवैया नहीं रुका तो वो दिन दूर है कि लोग भागेंगे इनसे। ऐसा नहीं है, वो बुरे लोग नहीं है, मैं मिला हूँ कई लोगों से, वो सिर्फ एक लाइक्स और सब्सक्राइब्स और सब्सक्राइब्स सनसनी बनाने के लिए, सनसनी बनाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई, एक तो अपने आप में घटना इतनी पूरे देश में इसका फैल गई, तो ऑलरेडी आप नॉर्मल भी लिखोगे तो लोग देखेंगे, उनको चीट जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, सही सही लिखोगे तो भी लोग देखेंगे,
और ऐसा कुछ लिखने से उस कैरेक्टर पर क्या असर पड़ता होगा जो हमारे बीच नहीं है, और या जो इंटरव्यू दे रहा है उसे कितनी दिक्कतें होती होंगी कि भाई आप उसका नाम लेकर, संजय पांडे का नाम लेकर या किसी और का नाम लेकर कुछ भी लिख देते हो। सर शुक्रिया इंटरव्यू के लिए, एक बार फिर से आपसे बातचीत करना याद रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिंदास भोजपुरिया, देखते रहिए आपका अपना चैनल। थैंक यू सर। आयुष भाई शुक्रिया इंटरव्यू शूट करने के लिए।